आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप ब्लॉगर पे साइट में पेज तैयार कर सकते हैं। आपको तीन कोड देने वाले हैं। पहले कोड को ऐड करने के बाद आपका साइट में पेज इस तरह से दिखेगा। सेकंड में आप इस तरह से, जैसे ही आप लेवल पे क्लिक करेंगे तो लेवल से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे 11 या 12 पोस्ट शो होगी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन शो होगा। अभी यहाँ पे इतनी ही पोस्ट है। और तीसरा कोड जो आपको दिखाएंगे वो इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे आप जितनी भी पोस्ट ऐड करेंगे यहाँ पे पोस्ट का टाइटल, पोस्ट की डेट और लेवल यहाँ पे शो होगा आपका। तो इन्हें कैसे आपको ऐड करना है, दो कोड आपको जो देंगे उनमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, लेकिन एक कोड में आपको थोड़ी चेंजिंग करनी है, वो आपको हम आगे के वीडियो में बता देंगे। अब इन्हें ऐड कैसे करना है तो उसके लिए चलते हैं ब्लॉग पर। और यहाँ पे आपको जाएंगे पेज में, पेज में यहाँ पे करेंगे न्यू पेज क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद लेवल आप देंगे साइट में, क्योंकि आज नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से मैंने इनको ऐड करके रखा है पहले से आपको बताने के लिए। आप जब नया पेज क्रिएट कर लेंगे तो आपको ओपन करके दिखा दें, यहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना है। कोड के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तीनों कोड है, तीन कोड की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। तीसरा कोड ये है, इसे आप कॉपी करेंगे यहाँ से। और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में यहाँ पे आपको करना है डू नॉट अलाउ हाइड एक्सटिंग। इससे क्या होगा, कमेंट सेक्शन आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे कर देंगे पब्लिश, तो तीसरा कोड आपको इस तरीके से आपको दिखेगा। सेकेंड कोड ऐड करने के लिए आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। और यहाँ से आप इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद वही तरीका है, पेज पे आप जाएंगे और यहाँ पे इसे आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे आप सेव कर देंगे और ये कोड आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब जिस कोड में आपको थोड़ी चेंजिंग करनी है उस कोड के बारे में आपको बता दें। ये कोड ये वाला है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे। यहाँ से पूरा कोड कॉपी करने के बाद आप जाएंगे ब्लॉगर में, पेज में जाएंगे और यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर देंगे। ये कोड यहाँ पे पेस्ट है। यहाँ आप सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा यूआरएल इसमें डला हुआ है ब्लॉग का, तो इस यूआरएल को आप चेंज कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे कोड में भी आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे https://newsjunk.com। तो इस यूआरएल को आप अपने यूआरएल से चेंज कर देंगे, वो चाहे आपका कस्टम हो या आपका ब्लॉगर का ही यूआरएल हो, उसे आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद यदि आपने नया पेज बनाया है तो आप पब्लिश करेंगे, और एडिट कर रहे हैं तो आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे तो पहला कोड आपको इस तरीके से दिख रहा है, सेकंड कोड इस तरीके से, और थर्ड कोड इस तरह से दिख रहा है। तो ये साइट मैप पेज आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप साइट मैप जनरेट कर सकते हैं और उसे गूगल सर्च कंसोल पर आप कैसे ऐड करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।